देखिए, कोई भी राज्य सरकार जब निर्णय करती है तो वो दो पैटर्न लेती है, राज्य हित और राजनीतिक हित। अब उसके बाद जब निर्णय हो जाता है तो देश का हर नागरिक स्वतंत्र होता है अपने दृष्टिकोण से देखने को लेके। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं अपनी सुविधा के हिसाब से आम जनता को, हम जैसे लोगों को तांगे का घोड़ा बनाने का प्रयास करती है कि आग के दोनों तरफ पट्टा लगा दो, हम जो दिखाएं वो देखें, हम जो ना दिखाना चाहें उसको ये ना देखने पाए। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में कुल मिला के यही हो रहा है कि हम सबको तांगे का घोड़ा बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जो निर्णय लिया वो निश्चित तौर पर राज्य के हित में लिया होगा। अवधेश जी ने जो कहा वो गलत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में 1% मुस्लिम है, लेकिन उनको उस 1% से मतलब नहीं है। देश में जो अपने आप को वो एक अल्पसंख्यक नेता के रूप में और दलित नेता के रूप में कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही है, तो डर ये है कि कहीं देश का मुस्लिम समाज और दलित समाज जो लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ आकर्षित हुआ है वो कहीं फिर से ना छिटक जाए, ये उनके सामने मजबूरी है। विक्रमादित्य की तरफ से जो निर्णय लिया गया उसमें निश्चित तौर पे पूरी राज्य सरकार सहमत होगी। यदि राज्य सरकार सहमत नहीं होती तो एक मंत्री इतना बड़ा फैसला सार्वजनिक तौर पे नहीं लेते। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश पे देखने से पहले आप कुछ तथ्यों पे नज़र डालिए। 2006 में जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे। 5 अगस्त 2011 को पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, तब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। फिर 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए। ये तीनों समय पर उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उस पर रोक लगाया है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम और रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उसी कानूनी दायरे के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में साफ प्रावधान किया गया है कि जो भी दुकानदार है वो अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाएगा कि आम व्यक्ति देख सके, और जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं होगा उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो ये प्रावधान करने वाली कांग्रेस सरकार है, लागू करने वाली कांग्रेस सरकार है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। यदि आज हिमाचल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य हित में ये निर्णय करती है तो उसको लेकर हमें तांगे का घोड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।